भारत प्रगति और विकास के नए आयाम छूता एक युवा देश, एक ऐसा देश जिसकी कुल आबादी का 65% हिस्सा 18 से 35 साल के बीच है। देश के युवाओं की आशा और हमारे प्रधानमंत्री जी के मजबूत इरादों का नतीजा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विशाल लक्ष्य रखा, 2020 तक 1 करोड़ लोगों का कौशल प्रशिक्षण करना। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत के युवाओं का इस मिशन में भाग लेना बहुत जरूरी है और इसलिए कौशल विकास बन गया हमारे देश का नारा। भारत में एक बड़ा हिस्सा ऐसी जनसंख्या का है जो कि असंगठित उद्योगों, कारखानों में सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कौशल प्रमाणित नहीं हैं और अपने कौशल की न्यायपूर्ण आमदनी नहीं कमा पा रहे हैं। PMKVY के अंतर्गत ऐसे लोगों के कौशल और अनुभव को मान्यता दी जा रही है और इस पहल का नाम है RPL, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग अथवा पूर्व कौशल और अनुभव को मान्यता कार्यक्रम। RPL के माध्यम से ये भी स्पष्ट होगा कि आप अपने काम और अनुभव के बल पर भी कुशल बन सकते हैं और इसके साथ आपको बेहतर तरीके से काम करने की, बोलचाल की, उत्पाद बढ़ाने की और उद्यमशीलता की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता पर भी ट्रेनिंग दी जाती है जो कि कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ मजबूत कदम है। RPL का स्किल सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि उम्मीदवार अपने पेशे में कुशल है। भारत में साल 2020 तक 40 लाख युवाओं को RPL के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा और इन युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान दी जाएगी। मैं एक साधारण महिला हूँ, मुझे इस संस्था के बारे में पता चला और मुझे यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और मैं चाहती हूँ कि और भी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं तो वो इस संस्था से जुड़ें। हम सभी युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप भी इस योजना में आके जुड़ें और जब जुड़ेंगे आपको भी यहाँ पर सीखने को मिलेगा, इनकम भी आपकी अच्छी से अच्छी होगी। अब आपको अच्छा लगेगा तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। कौशल भारत, कुशल भारत।